ये देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे थे लोग, क्या खेल रहे हो? राधे राधे दोस्तों, मैं तनुजा, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, मैं कबूतर को दाने देने आई हूं और अब जाऊंगी गौशाला में। आज देखना है सब लोग का लाइन लगा हुआ है कबूतर का दाना देने के लिए। चलिए, मैं तो दे चुकी हूं, अभी जा रही हूं गौशाला। ये सब देखिए, कबूतर का दाना चालू है। चलिए दोस्तों, आप लोग भी गौ माता का दर्शन कीजिए। सब गौ माता का पेट भरा हुआ है, इसलिए किसी का नहीं खा रही है। और सारे गौ माता का भी पेट भरा हुआ है, देखते हैं। तो इसको पेशाब लग गया। चलिए दोस्तों, गौ माता का भी दर्शन हो चुका है और आप लोग भी कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, गौ माता का भी दर्शन हो चुका है, पूजा भी कर चुकी हूँ। और अभी यहाँ देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो पत्ते उत्ते तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, खेल रहे हो? अच्छा। ये देखिए बच्चे लोग क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या खेल रहे हो, क्या क्या खेल रहे हो बता। पकड़म पकड़ी, कौन जीता? कोई नहीं जीता। मैं जीता। अच्छा, ये जीता। देखिए दोस्तों, ये जीता है। बहुत अच्छा, तुम बहुत तेज हो लगता है। चलो बाय। चलिए दोस्तों, अभी जा रही हूँ घर पे। इन लोग सब काम कर रही है, औरतें लोग देखिए सब काम चालू हो गया रखते हैं सारा काम। सभी बच्चे लोग को अच्छा लगता है ना यहाँ पे। चलिए दोस्तों, घर पे आ चुकी हूँ सब जगह से। अब क्या करना है, काम करना है। और मेरा बेटा भी नहाया नहीं, आप जरा पूछ सकते हैं क्यों नहीं नहाया, बताएगा वो आपको खुद क्यों नहीं नहाया है। देखिएगा, बताएगा कितना अच्छा रीजन वो आपको सुन के, क्योंकि उसको नहाने का मन नहीं है, तो इसके लिए उसको बहाना तो मिल ही जाएगा ना। क्यों नहीं नहाया है? पानी नहीं आया। देखिए ना दोस्तों, पानी नहीं आया, बिल्कुल सही बात है कि पानी नहीं आया, लेकिन सारे काम हो रहे हैं, इसको नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मगर क्या है ना, इसको नहाना नहीं है तो बहाना तो मिलना चाहिए ना। तो बहुत अच्छा बहाना मिल चुका है, तो ये बोलता है पानी नहीं है तो नहाऊंगा कैसे। क्या बोलोगे दोस्तों, अगर जिसके मन में जो दिमाग रहेगा, प्लान तो पहले से बना लेता, आप उससे जीत पाओगे? छल करने वाले से कोई जीत पाता है? सारे काम वो कर लेगा, लेकिन पानी सिर्फ नहाने के लिए पानी इसके पास नहीं है, बताइए। चलिए दोस्तों, कल क्या है आप लोग को भी पता है, और बहुत बड़ी खुशी की बात है, कल 22 जनवरी आ गया, जिसका हम लोग इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। सबसे बड़ी बात खुशी क्या है कि इतने वर्षों के बाद इंतज़ार का फल हम लोगों को कल आने वाला है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और मुझे क्या, हर दुनिया में छोटे से बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर किसी को तो खुशी जाहिर होना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। और आप लोगों को क्या, ये भी एक तरह दिवाली है, तो साल में अब दो बार दिवाली मनेगी दोस्तों, तो कल क्या है, दिवाली है और राम जी का उद्घाटन है, आप लोग को तो सब पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत क्या है। तो एक बार जोर से बोलते हैं जय श्री राम, बाय बाय।